हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज़ पूरा वीडियो देखना, एंड तक देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है ऑनलाइन फ्रॉड। आजकल आपने देखा होगा कि कुछ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वीडियो क्रिएटर्स हैं, या फिर थोड़ा बहुत जो भी लोग पॉपुलर हो जाते हैं, लोग क्या करते हैं ना, उनका फेक प्रोफाइल बना लेते हैं, लाइक एज वीडियो ऐप्स पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह। सेम कुछ ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये बात कि मेरा भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, बहुत सारी जगह, कई वीडियो ऐप्स पे भी कई लोगों ने मेरा फेक प्रोफाइल बना रखा है। वो जो फेक प्रोफाइल वाले लोग होते हैं वो आपसे जो रियल पर्सन होता है वो बनकर बात करेंगे। जैसे मेरी फेक प्रोफाइल है तो सामने वाला क्रिस्टी बनकर लोगों से बात कर रहा है, तो इससे ना लोगों को लगता है कि हाँ, हम रियल पर्सन से बात कर रहे हैं, जिसकी फ़ोटो वीडियोस हमें दिख रहे हैं, हम उसी से बात कर रहे हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये एक तरह का साइबर क्राइम है, ये एक तरह का ऑनलाइन फ्रॉड होता है। तो अगर ऐसा आपके साथ कुछ भी है कि कोई आपसे क्रिस्टी बनकर बात करता है, या फिर कोई भी और वीडियो क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, कोई भी पॉपुलर इंसान, बिल्कुल भी उसके बहकावे में मत आएं। अगर वो आपसे आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है या फिर आपसे मनी की डिमांड करता है, तो उसको बिल्कुल भी पैसे नहीं देने हैं आपको, बिल्कुल भी नहीं। ओके, मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहती हूँ। मैंने बहुत बार बताया है कि इंस्टाग्राम पे मेरा सिर्फ़ और सिर्फ यही अकाउंट है जिसका आईडी है christy250723। इसके अलावा मैं फेसबुक पे भी नहीं हूँ, मैं ट्विटर पे भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो ऐप्स में टिकी ऐप पर हूँ, और मैं अभी रिसेंटली कोई भी ऐप नहीं यूज़ कर रही हूँ। प्लीज़ 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 इस बात का बहुत ख्याल रख, आप सभी बहुत ही ध्यान रखिए, ऐसे किसी भी फ्रॉड के, किसी के भी बहकावे में मत आइए। और मैंने किसी से कोई भी डिमांड नहीं की है, ना मैं इन फ्यूचर कोई डिमांड करूंगी। मेरा सिर्फ यही ऑफिशियल अकाउंट है जो इंस्टाग्राम पर है, और दूसरा मैं टीवी पे वीडियो क्रिएटर हूँ, और मैं कहीं भी नहीं हूँ। प्लीज़ बी अवेयर। ओके, आप लोग के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके साथ ऐसा कुछ फ्रॉड किया है, तो आप इसके लिए साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की मदद ले सकते हैं, या फिर आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। Be aware, be safe, and thank you so much.